डॉक्टर है, पेशेंट 3 साल से कोमा में है। क्या लगता है क्या आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते? यस यू आर राइट, आई थिंक अब तो भगवान ही बचा सकते हैं इसे। किस्सा ही खत्म कर दो। चलो मैं भी यही चाहती हूं, मैं भी यही चाहती हूं, समझे? चलो विराट, विराट। हाँ भी, हाँ भी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है ना? हाँ सब सब ठीक है भैया। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे, मैं हूँ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में आज सुबह एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि कातिल फरार है। कल मैं वहाँ पे गई थी प्रिया के साथ, उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था, तो हम लोग गए वहाँ पे बैठे और खाने वाने के लिए ऑर्डर किया। काफी देर तो बैठे रहे, फिर उसका बॉयफ्रेंड आ गया, फिर वो लोग बात ही कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मेरे को बिल्कुल बात ही नहीं कर रही थी, और मैं 1 घंटा वहाँ पे वेट करती रही। बोला अरे राम, इतना इतना फ्रस्ट्रेट हो गई ना मैं वहाँ पर। क्या सुना तुम बोल रही थी, वही तो सुन रहा था। पूजा ने क्या कहा? बात नहीं करनी। क्या हो गया? नहीं बात करनी को। क्यों नहीं करनी? नहीं करनी। अबे मैं इस पागल के साथ फंस गई सारा टाइम। अबे निशा सुनना यार, निशा निशा
फिर दहला हिंदुस्तान। आज हर माँ की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर इन मासूम बच्चों ने उनका बिगाड़ा क्या था। वैसे भी कॉन्वेंट स्कूल में हुए धमाकों में अब तक 40 बच्चे मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था जिसमें आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा दिया। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर हमारा सवाल वही है, आखिर इन मासूमों का क्या कसूर है?